देश भर में दिवाली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार बीकानेर में कई लोगों ने ग्रीन पटाखों के साथ ग्रीन दीपावली मनाने का आह्वान किया है। जानकारी के अनुसार ग्रीन दीपावली मनाने से प्रदूषण पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा और इस बार लोग दिवाली प्रदूषण मुक्त तरह से मना सकेंगे। वहीं बीकानेर में ग्रीन पटाखों की तर्ज पर भारी तादाद में ग्रीन फुलझड़ी बनाई जा रही है, जिसके इस्तेमाल से अधिक धुआं और पॉल्यूशन नहीं होगा। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की जा चुकी है कि ग्रीन पटाखों के साथ ये दिवाली मनाएं, लेकिन मरु नगरी बीकानेर की यहाँ फुलझड़ी की फैक्ट्री में हम लोग मौजूद हैं। तो दिखाते हैं सबसे पहले ये जो फुलझड़ी को तैयार जिस पे किया जाता है, ये भी एक तरह से लोहे की तांत है जिनको अब यहाँ पर डुबाया जाएगा और ये वो जगह है जहाँ पर डुबो के तैयार किया जाएगा और ये डुबोने के बाद में आप देख सकते हैं ये प्रोसेस एक तरह से ये तैयार हो चुका है और अब इसे सुखाने का प्रयास इसे किया जाएगा। और ये देखिए सुखाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि ये यहाँ पर सभी जो फुलझड़ियाँ हैं तैयार, ग्रीन एक तरह से पटाखा फुलझड़ी कही जा सकती है, वो यहाँ पर अब मिश्रण के साथ पूरी तरह से तैयार यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें एक और हम जानना चाहेंगे, ग्रीन जो शब्द है अब इन दिनों काफी चर्चित है और आपकी जो फैक्ट्री है वो भी ग्रीन फुलझड़ी के नाम से भी फेमस होती जा रही है बीकानेर में, खास तौर से दिवाली के समय, ये क्या है थोड़ा इसके बारे में बताएं दर्शकों। ग्रीन का मतलब केंद्र सरकार ने ये रखा है कि जिसमें पॉल्यूशन कम हो, जिसमें पटाखों में ध्वनि का प्रदूषण कम हो और धुआं हुआ जो निकलता है वो कम हो। इसी तहत हमने भी अपने यहाँ पे जो है जो फुलझड़ी का हम बनाने का ये इस फैक्ट्री में कार्य करते हैं और हमने ये प्रयास किया है कि कंपेरिटिवली गत वर्ष के वनस्पति इस वर्ष जो हमारी फुलझड़ी जा रही है, हमारी फुलझड़ी पहले से भी धुआं कम रहती थी लेकिन हमने इस बार और ज्यादा प्रयास किया है कि फुलझड़ी में कम से कम धुआं रहे।